नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेपाल में एक पॉलिटिकल टर्मोइल जो चल रहा है हाल में, यानी कि एक राजनीतिक उठापटक जो चल रही है, और वो भारत को, हम लोगों को आने वाले समय में किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही में एक 1800वीं सदी में जब ब्रिटिश भारत के ऊपर राज कर रहे थे, उस समय नेपाल और उस समय की ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एक समझौता हुआ था, एक संधि हुई जिसको सिगौली संधि भी कहा जाता है, उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाल में नेपाल में जो राजनीतिक उठापटक चल रही है उसके बारे में। हाल में नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रधानमंत्री है, उसका नाम है पुष्प कमल दहल, जिसको प्रचंडा भी कहा जाता है। तो हाल में प्रचंडा सीपीएन यूएमएल पार्टी से एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुनकर आए थे और हाल में वो प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा कर रहे हैं। अब अगर सीपीएन यूएमएल का फुल फॉर्म देखें तो उसका फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो ये जो पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी है हाल में नेपाल में, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर चलती है। तो इसी के ऊपर से आप सोच सकते हैं कि किस कंट्री की ओर इन लोगों का झुकाव हो सकता है। अब जो रिसेंट में उठापटक चल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि सीपीएन यूएमएल के द्वारा, यानी कि जिस पार्टी से प्रचंडा हाल में प्रधानमंत्री बनकर आए हैं, उन्होंने प्रचंडा से अपना सपोर्ट खींच लिया है। तो इसी के चलते हाल में प्रचंडा के पास हाउस में मेजोरिटी नहीं बची है। रिसेंटली सीपीएन यूएमएल के 8 अलग अलग एमपीज ने, जो प्रचंडा की सरकार में एमपीज थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और उनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। उसी के सामने एक और पार्टी है जिसके 4 एमपी ने रेजिग्नेशन फाइल किया था, लेकिन उन लोगों का जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब ये जो सीपीएन यूएमएल है उसने नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के साथ रिसेंटली हाथ मिलाया है और उन लोगों के साथ एक डील भी साइन की है। तो उसी के चलते वे लोग प्रचंडा को पीएम पद से हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रचंडा खुद से हटने के लिए तैयार नहीं है। तो उसी के चलते 12 जुलाई को नेपाल में पार्लियामेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रचंडा के खिलाफ लाया जाएगा। उसमें जो वोटिंग होगी उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि क्या प्रचंडा पीएम बने रहते हैं या नहीं। अब उसकी जगह पर जिस व्यक्ति को वहां पर बिठाने की बात चल रही है उसका नाम है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली नेपाल के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस भी है और वो भी सीपीएन यूएमएल से बिलोंग करते हैं। तो सीपीएन यूएमएल ने फिर से एक बार केपी शर्मा ओली को आगे बढ़ाते हुए प्रचंडा से अपना सपोर्ट खींच लिया है और आने वाले समय में केपी शर्मा ओली की सरकार बनने के बहुत ही ज्यादा चांसेस दिखाई पड़ते हैं। अब इन सब चीजों का हम लोगों के भारत के ऊपर और भारत नेपाल के रिश्तों के ऊपर किस तरह से असर पड़ेगा। अगर हाल में भारत और नेपाल के रिलेशंस की बात की जाए तो नेपाल से कुछ इस प्रकार की गतिविधियां की जा रही है वहां की सरकारों के द्वारा, चाहे वो केपी शर्मा ओली के द्वारा हो या फिर प्रचंडा के द्वारा, वो इस प्रकार की गतिविधियां की जा रही है जिससे भारत और नेपाल के रिश्ते खराब होने के चांसेस बढ़ गए हैं। अभी ऐसी कौन सी चीज है? तो नेपाल हाल में जो उत्तराखंड में कालापानी, लिपुले और लिम्पियादुरा का जो एरिया है उसको नेपाल का हिस्सा होने का दावा कर रहा है। अब ये दावा पिछले काफी लंबे समय से चल रहा है। केपी शर्मा ओली की जो सरकार थी प्रचंडा के पहले, उस सरकार ने भी इस प्रकार का दावा किया था और यहां तक कि उन्होंने केपी शर्मा ओली की सरकार के दौरान नेपाल ने उनके जो 100 रुपए के नोट हैं उसके ऊपर उस जगह के जो चित्र है उसको भी प्रिंट किया। तो उसी के चलते भारत सरकार ने और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने नेपाल के इस स्टेप के अगेंस्ट में आवाज उठाई थी और उसके ऊपर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है। लेकिन नेपाल केपी शर्मा ओली के अंदर और प्रचंडा के अंदर ये दावा कर रहा है कि ये जो 3 एरियाज है वो नेपाल का हिस्सा है। अब अगर इसके इतिहास में जाया जाए तो हम बात करेंगे 1812 जब नेपाल का एक पुनर्गठन जैसा हुआ था और उसके बाद 1812 में उस समय में जो नेपाल में सरकार थी उन लोगों नेपाल का जो रीजन था उसको एक्सटेंड करने के प्रयास किए थे। तो उसी के चलते उन्होंने पूर्व में सिक्किम के कुछ इलाकों को कॉन्कर किया था, उसके ऊपर कब्जा जमाया था
और साथ ही में उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड के भी ये कुछ रीजन है जिसमें चंपावत आ जाता है, जिसमें करनाली आ जाता है और अन्य कुछ रीजन आ जाते हैं, उनके ऊपर कब्जा किया हुआ था। लेकिन वो जो पर्टिकुलर हिस्से थे वो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के दिल्ली से कलकत्ता के रूट में पड़ते थे, तो उसी के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1815 में नेपाल गवर्नमेंट के साथ बातचीत करना शुरू किया इसके ऊपर और उनको ये रिक्वेस्ट की कि ये जो हिस्से उन लोगों ने कब्जे में लिए हुए हैं, उन लोगों ने कॉन्कर किए हुए, उनको नेपाल गवर्नमेंट छोड़ दे। लेकिन 1815 में बातचीत के बाद भी उस समय की जो नेपाल की सरकार थी वो नहीं मानी, तो उसके चलते उस समय जो ब्रिटिश आर्मी को उस रीजन में लीड कर रहे थे उन्होंने नेपाल पर हमला कर दिया और काठमांडू से महज 30 मील की दूरी पर रुक गए। और फिर से एक बार उन्होंने नेपाल सरकार को ये प्रस्ताव रखा कि वे लोग ये जो पर्टिकुलर रीजन हैं जो उन्होंने उस समय कब्जे में लिए हुए थे उसको छोड़कर वापस जो नेपाल की हाल की बाउंड्री है उसमें लौट जाए। तो अल्टीमेटली 1816 में बिहार के सिगौली में एक समझौता हुआ, एक संधि हुई नेपाल की सरकार और उस समय की ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें यह तय हुआ कि नेपाल अपना जो विस्तार है उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा, भारत के किसी भी हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा। तो उसी समय से ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है, चाहे वो कालापानी का हो, लिम्पियादुरा का हो या निपुलेक का, इन सभी इलाकों को वापस भारत में मर्ज कर दिया गया। लेकिन रिसेंटली जब केवी शर्मा ओली की सरकार आई तो उन लोगों ने इस मुद्दे को फिर से उठाया। अब ये जो पर्टिकुलर केवी शर्मा ओली की सरकार है उसको ज्यादातर न्यूज मीडिया आउटलेट्स और जो भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वे लोग उसको चाइनीज पपेट बताते हैं। और उसी प्रकार से जैसे कि हमने आपको बताया सीपीएन यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, उसका जो झुकाव है वो चाइना की ओर है, तो हाल में वे लोग चाइना के साथ जो रिश्ते हैं उसको और भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना अपना जो एक्सपेंशन एजेंडा है उसके चलते एक लॉन्ग टर्म गेम खेलते हुए नेपाल में एक इकोनॉमिकल घुसपैठ कर रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर इकोनॉमिकल घुसपैठ की हम बात कर रहे हैं उसमें सिचुएशन ऐसी है कि नेपाल बीआरआई का एक पार्ट बताया जाता है और नेपाल में भी बीआरआई का एक एक्सटेंशन बनाने की बात चाइना के साथ चल रही है। उसी के चलते चाइना नेपाल को लोन देने के लिए तैयार है, जिस तरह से उन्होंने मालदीव्स को लोन दिया है, जिस तरह से उन्होंने श्रीलंका को लोन दिया था, जिस तरह से उन्होंने कई सारी कंट्रीज को लोन देकर अपने डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के जाल में फंसाया। तो हाल में ये जो सीपीएन की सरकार है उसके साथ चाइना के पास से लोन देने की बात चल रही है। वो आने वाले समय में अगर ये लोन अप्रूव हो जाता है, अगर वे लोग लोन ले लेते हैं तो वे लोग भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के झांसे में फंस जाएंगे, उन लोगों की जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है उसके जाल में फंस जाएंगे। और धीरे धीरे करके जैसे चाइना ने हांगकांग के ऊपर कब्जा जमाया, जैसे चाइना ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा जमाया, जैसे चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को कब्जे में लिया है, उसी तरह से नेपाल के भी कुछ हिस्सों को या फिर पूरे नेपाल अपने कब्जे में ले ले तिब्बत या हांगकांग की तरफ, तो कोई भी चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो जियोपॉलिटिकल गेम है ये वो पूरा इसी स्ट्रेटेजी पर चलता है कि जो कोई भी देश है उन लोगों अलग अलग प्रकार से, खास करके अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में अगर वे लोग फंसते हैं, जो छोटे छोटे कंट्रीज है उनको अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसाया जाए और बाद में उन लोगों के जो इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं उसके ऊपर या तो कब्जा कर लिया जाए या फिर उस पूरे प्रदेश के ऊपर अगर हो सके तो अपना कब्जा जमा लिया जाए, उसको अपने आगे ले लिया जाए। तो इसी के चलते कई सारे एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि 2035, 40 या मैक्सिमम 45 तक अगर नेपाल इसी प्रकार से स्टेप्स लेता है और भारत से दूर जाते हुए चाइना की गोद में जाकर बैठ जाता है जो वो हाल में कर रहा है, तो 2035, 40 या 45 में नेपाल चाइना का हिस्सा बन जाए तो कोई भी शॉकिंग चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके जो सिम्टम्स हैं वो ऑलरेडी दिखना शुरू हो गए हैं, जिस तरह से चाइना धीरे 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 करके नेपाल की इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करते जा रहा है, चाहे वो सरकार गिराने की बात में हो, चाहे वो सरकार बनाने की बात में हो, चाहे वो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के माध्यम से लोन देने की बात में हो या फिर किसी भी अन्य माध्यम से उन लोगों को फंसाने की बात हो। तो आने वाले समय में देखना होगा कि किस प्रकार से सीपीएन, नेपाली कांग्रेस और खास करके जो नेपाल के लोग हैं, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होने वाला है, वे लोग इसका कैसे प्रतिकार करेंगे, इसको किस तरह से जवाब देंगे। रही बात भारत की, तो भारत
अपनी तरफ नेपाल के साथ, चाइना के सभी के साथ एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत कर रहा है कॉन्स्टेंटली, और अलग अलग माध्यमों से इसको रिजोल्व करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी आने वाले समय में क्या सिचुएशंस डेवलप होती हैं, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप क्या सोचते हैं इस पॉलिटिकल टर्मोइल के बारे में, जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, जहां पर प्रचंडा की सरकार के पास से पूरा सपोर्ट खींच लिया गया और फिर से केपी शर्मा ओली की सरकार को चाइनीज पपेट बिठाने की बात चल रही है, उसके बारे में ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये भारत नेपाल के रिश्तों को किस तरह से अफेक्ट कर सकता है वो भी कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महोदय।